जीवा की बहुत सारी संपत्तियां हम लोग बहुत पहले से खंगाल रहे थे। इन सब 10 करोड़ की संपत्तियों को हम लोग अभी कुर्क कर रहे हैं, और आप कुछ भी कर लें आप उस संपत्ति को नहीं बचा पाएंगे। जो भी जिनके मन में भी अपराध करने की थोड़ी सी भी इच्छा जागृत होती हो वो कंप्लीटली मर जाए। सुशील मूछ यहाँ से भागा हुआ है, भगौड़ा घोषित है, उत्तर प्रदेश राज्य में रहना है, अपराध नहीं करना है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार जो जितने भी माफिया हैं, जितने भी शहर के ज़िले के माफिया हैं, उन सब पे कठोर कार्रवाइयाँ हो रही हैं। हमारे जनपद मुजफ्फरनगर में 3 मुख्य माफिया थे। एक मीनू त्यागी गैंग, उसको कम्प्लीटली ख़त्म किया गया। मीनू त्यागी का यहाँ से ट्रांसफ़र दूसरे जेल पर प्रशासनिक आधार पर किया गया, जहाँ पर वो अभी निरुद्ध है। दूसरा सुशील मूछ की बहुत सारे केसेस में हम लोग पैरवी कर रहे हैं लगातार। सुशील मूछ यहाँ से भागा हुआ है, भगौड़ा घोषित है। सुशील मूछ की बहुत सारी संपत्तियाँ, लगभग 90 करोड़ की संपत्तियाँ राज्य के फेवर में हम लोगों ने कुर्क कर ली हैं। उन सभी पे आज की डेट में सरकार ने अपना 14A की कार्रवाई कर रखी है। तीसरा जो प्रमुख गैंगस्टर था यहाँ का, जीवा की अभी हाल में ही वहाँ लखनऊ में हत्या हुई है। उस जीवा की बहुत सारी संपत्तियां हम लोग बहुत पहले से खंगाल रहे थे। उस क्रम में हम लोगों ने लगभग उसके अपने पैतृक गांव शामली में और उसके आसपास और मुजफ्फरनगर और अन्य प्रदेश और जनपदों में हमने उनकी जो संपत्तियां खंगाली, तो लगभग 10 करोड़ की संपत्ति जिस पे हम लोग अभी तक लगा पाए हैं पता कि वो आपराधिक तरीक़ों से अर्जित की गई है। इन सब 10 करोड़ की संपत्तियों को हम लोग अभी कुर्क कर रहे हैं सरकार के फेवर में। और इसके अलावा कुछ संपत्तियाँ जो जब सुशील मूछ पे एक्शन किया गया, सुशील मूछ के जब एक्शन हुआ उसके बाद से हम लोगों ने, जब हम इन संपत्तियों में घुसे तो हमें पता चला कि उसके बाद बहुत सारे लोगों ने अपनी संपत्तियों को खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की है, उनको रफा दफा करने की कोशिश की है। कुछ लोगों ने अपने प्रॉपर्टीज़ ट्रांसफ़र किए हैं, कुछ लोगों ने अपने प्रॉपर्टीज़ बेचे हैं ताकि वो संपत्तियाँ गवर्नमेंट कुर्क ना कर पाए। मैं ऐसे लोगों को आप लोगों के माध्यम से ये स्पष्ट चेताना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि आप उनको बेच लें, आप उसको ट्रांसफ़र कर लें, कुछ भी कर लें, ये पेपर ट्रेल और ये बैंक ट्रेल ऐसी चीज़ें हैं जिसका हमें बहुत ही आसानी से पता लगता है। और आप कुछ भी कर लें आप उस संपत्ति को नहीं बचा पाएंगे। वो संपत्ति आज नहीं तो कल सरकार अपने फेवर में कुर्क करेगी। जो भी जिनके मन में भी अपराध करने की थोड़ी सी भी इच्छा जागृत होती हो वो कम्प्लीटली मर जाए। उत्तर प्रदेश राज्य में रहना है, अपराध नहीं करना है। अपराध मत कीजिए, सही ढंग से अपना काम कीजिए, सही ढंग से अपना जीवन यापन कीजिए, तब तो आप प्रगति करेंगे, वरना आप उन्नति प्रगति नहीं कर सकते।